इस वीडियो में हम लोग AWS के मैनेजमेंट कंसोल को देखेंगे। ये काफ़ी कॉमन प्लेस है जहाँ पे आप लोग अपने आप को पाएंगे जब भी आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे, जैसे मैं इस वक्त यहाँ पे कर चुका हूँ। तो आप AWS मैनेजमेंट कंसोल में आ जाएंगे। ये AWS की सर्विसेज, AWS की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का डैशबोर्ड भी कहला सकता है। इस कंसोल को ज़रा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिवली। तो टू स्टार्ट विद, आपको सारी सर्विसेज लिस्टेड नज़र आएंगी यहाँ पे। ये सर्विसेज जो हैं ये मुख्तलिफ सब कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं, जैसे कंप्यूट है, कंटेनर्स है, स्टोरेज है, डेटाबेसेस है, इस तरह की सब कैटेगरीज हैं। और हर कैटेगरी के अंदर उसकी रिलेटेड सर्विस जो है वो लिस्टेड है। तो एक जो कॉमन परसेप्शन है या एक कॉमन अप्रोच है वो यही है कि जो सर्विसेज लेफ्ट साइड के ऊपर लिस्टेड है वो ऐसी बेसिक सर्विसेज हैं जिनके ऊपर बेस करके फिर फर्दर सर्विसेज डेवलप की गई हैं। और ये वो सर्विसेज हैं जो बहुत कॉमनली स्टार्टिंग में जो भी AWS को यूज़ करना शुरू करता है वो इन सर्विसेज को यूज़ करता है। तो ज़रा ऊपर आते हैं, यहाँ पर आप एक सर्च बार है, इसमें क्लिक करके कोई भी सर्विस जो है उसको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर EC2 लिखूँ तो ये कंटेक्सचुअल सर्च है, तो आप इसमें जो भी टाइप करें उससे रिलेटेड सर्विसेज की लिस्ट आ जाती है। और यहाँ पे आप क्लिक करके उस सर्विस के डैशबोर्ड पे डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं। अगर सर्च बार के नीचे देखें तो यहाँ पे आपको रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज मिलेंगी। ये वो सर्विसेज हैं जो कि आपने भी रिसेंटली विजिट की हैं। तो अगर आप किसी एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, तो आपने जो रिसेंटली सर्विस विजिट की है हो सकता है उसको आपको दोबारा विजिट करना पड़े। तो इसीलिए यहाँ पे एक ब्रीफ हिस्ट्री अवेलेबल है पिछली 4-5 सर्विसेज जो आपने एक्सेस की हैं उसके। आप किसी भी सर्विस के ऊपर, जैसे अगर मैं EC2 पे क्लिक करूँ तो आप उस सर्विस के मेन या उस सर्विस के डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। तो ये EC2 सर्विस का डैशबोर्ड है जिसको मैं मेन डैशबोर्ड से EC2 के लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आ चुका हूँ। इसमें मेरे पास जो कुछ भी इस वक्त रनिंग स्टेट में है उनकी मुझे यहाँ पे समरी मिल रही है। जैसे 2 रनिंग इंस्टेंसेस हैं, 1 कीपर है, 6 वॉल्यूम्स हैं, 5 सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, 1 लोड बैलेंसर चल रहा है। तो इस तरह जो भी सर्विसेज इस स्पेसिफिक रीजन में मैंने EC2 की जो सर्विसेज स्पेसिफिक रीजन में मैंने ली हुई है उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ से मिल जाएगी। इससे पहले कि मैं EC2 इंस्टेंस के इस मेन्यू की डिटेल में जाऊँ, मैं रीजन की कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ। इस वक्त मैं जिस रीजन में हूँ वो आप यहाँ से देख सकते हैं, नॉर्थ वर्जीनिया रीजन। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप यहाँ से बाकी जितने भी AWS के रीजन्स हैं उनकी लिस्ट देख सकते हैं। तो जिस सर्विस में अगर आप जिस सर्विस के डैशबोर्ड पे आप हैं, अगर वो सर्विस रीजन स्पेसिफिक है, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि रीजन स्पेसिफिक नहीं है बल्कि ग्लोबली अवेलेबल होती हैं, तो उसमें रीजन की रिस्ट्रिक्शन नहीं आती या यहाँ से रीजन सेलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं आती। इस केस में ये रीजन स्पेसिफिक सर्विस है तो यहाँ पे मुझे बाकी रीजन्स की ऑप्शन भी आ रही है। एक और जगह जहाँ से आप रीजन देख सकते हैं वो इस कंसोल का वेब लिंक है या URL है जो कि ब्राउज़र के URL में आपको नज़र आ रहा है, और उसके एंड के ऊपर रीजन इज इक्वल टू US East 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये US East 1 या नॉर्थ वर्जीनिया का रीजन कोड है। ये भी यूज़फुल है क्योंकि कभी कभार कमांड लाइन से काम करते हुए आपको रीजन कोड्स की डिटेल्स देनी पड़ती है। एक और जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस स्टेज के ऊपर वो ये है कि आप इस रीजन की हेल्थ यहाँ से देख सकते हैं डैशबोर्ड से, EC2 के डैशबोर्ड से। और इस रीजन के अंदर 6 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं और आप उन अवेलेबिलिटी जोन्स की भी हेल्थ यहाँ से देख सकते हैं। ये नॉर्थ वर्जीनिया रीजन यूजली कंसिडर किया जाता है कि ये AWS का वो रीजन है जिसके जहाँ पे ज़्यादातर नए प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए जाते हैं वो यहाँ पे पहले ट्राई किए जाते हैं, इसलिए यहाँ के अवेलेबिलिटी जोन्स भी सबसे ज़्यादा हैं और ये सबसे पुराना और सबसे मेच्योर रीजन है। कोई भी ऐसा शख्स जो कि AWS को सीखना चाहता है, हाईली रिकमेंडेड होता है कि वो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में ऑपरेट करें क्योंकि वहाँ पे आपको मैक्सिमम फीचर्स अवेलेबल होते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर जो जो मेन्यूज़ हैं ये EC2 से रिलेटेड मेन्यूज़ हैं। जिस तरह मैं अभी EC2 डैशबोर्ड में हूँ, इसी तरह अगर आप इंस्टेंस लॉन्च का इंस्टेंसेस देखना चाहते हैं जो करंटली रनिंग है, तो आप इस मेन्यू आइटम पे जाके इंस्टेंसेस के मेन्यू आइटम पे जाके देख सकते हैं। वहाँ से आप नई इंस्टेंस लॉन्च भी कर सकते हैं, डैशबोर्ड से भी यहाँ से इस बटन को क्लिक करके इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ये मेन्यूज़ हैं ये कैटेगराइज्ड हैं
उन डिफरेंट सर्विसेज के लिए जो कि EC2 से एसोसिएटेड है। आप जब किसी भी सर्विस के डैशबोर्ड में मौजूद हो और आप मेन पेज पे वापस या मेन डैशबोर्ड में वापस जाना चाहें जहां पे सब AWS की सर्विसेज लिस्टेड है, तो आप इस AWS के कॉन्सोल होम के लोगो को क्लिक करके होम पेज पे जा सकते हैं। एक और तरीका ये भी है कि अगर आप EC2 में हैं और आप अब किसी और सर्विस पे जाना चाहते हैं, तो आप सर्विसेज के इस मेन्यू आइटम को क्लिक करें तो आपके पास सर्विसेज का मेन्यू आइटम खुल जाता है, जो कि देखने में काफी हद तक AWS के होम पेज या AWS के मेन होम पेज की तरह का ही है, जहाँ पे सारी सर्विसेज कैटेगरीज में लिस्टेड होती है। तो आपको वही सेम कैटेगरीज यहाँ पे दोबारा नजर आ रही हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज लिस्टेड हैं, अपनी रिसेंट हिस्ट्री नजर आ रही है जिन सर्विसेज को एक्सेस किया गया है उनकी, और यहाँ पे भी एक सर्च बार है जिसमें आप टाइप करके कोई भी सर्विस सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन ये भी नजर आ रही होगी कि आपके पास इस वक्त सर्विसेज ग्रुपिंग के हिसाब से हैं, इनके जो कैटेगरी के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज AWS ऑफर करता है, सर्विसेज उन कैटेगरीज में ग्रुप की हुई है। आप इसको अल्फाबेटिकली भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मली ग्रुप्स को प्रेफर करता हूँ क्योंकि अल्फाबेटिकली चीज़ों को ग्रुप चीज़ों को दिखाने में थोड़ी सी कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाती है। जिस तरह अगर आप देखें तो AWS लाइसेंस मैनेजर यहाँ पर एक सर्विस है, या Amazon Redshift एक सर्विस है, तो कभी कभार ये जहन में रखना मुश्किल हो जाता है कि मैंने अमेजोन को सर्च कर अमेजोन को देखना है या आर में जाके रेडशिफ्ट को देखना। तो मैं यूजुअली ग्रुपिंग को प्रेफर करता हूँ। तो EC2 से EC2 के डैशबोर्ड से अब मैं अगर मेन डैशबोर्ड की तरफ वापस जाना चाहूँ तो मैं इस AWS कॉन्सोल होम के लिंक को क्लिक करूंगा। तो इस तरह मैं मेन डैशबोर्ड में वापस आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं कुछ चीजें और हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक ये पिन का आइकॉन है जो कि काफी यूजफुल है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि इसके अंदर सब AWS की सर्विसेज जो हम यूज करते हैं उनके आइकॉन्स नजर आ रहे हैं या उनके बटन्स नजर आ रहे हैं। तो कोई भी ऐसी सर्विस जो कि मैं बहुत रेगुलरली यूज करता हूँ, मैं जैसे अगर S3 है सिंपल स्टोरेज सर्विस जिसको हम आगे जाके देखेंगे, इसको बहुत ज्यादा रेगुलरली यूज करता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इधर ऊपर बार में ड्रॉप कर सकता हूँ। इसी तरह जो आप यहाँ से कुछ सेटिंग्स भी मैनेज कर सकते हैं जिसमें आप टूल बार के ऊपर सिर्फ आइकॉन देखना चाहते हैं, आइकॉन के साथ टेक्स्ट भी देखना चाहते हैं या सिर्फ टेक्स्ट देखना चाहते हैं। तो इस तरह आप अपने फ्रीक्वेंटली यूज्ड सर्विसेज को यहाँ पर ऊपर बार में पिन करवा सकते हैं। अगर आप पिन पे दोबारा क्लिक करें तो ये मेन्यू आइटम यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक बेल का आइकॉन है, ये भी काफ़ी क्रिटिकल है। इसके अंदर आपको आपने अगर AWS के साथ अपने सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई इश्यूज रेज किए हुए हैं तो उनकी डिटेल्स आएंगी, कोई भी ऐसी शेड्यूल चेंजेस रही जो AWS ने शेड्यूल की हुई है उनकी डिटेल्स आएंगी। उसके अलावा और नोटिफिकेशंस भी यहाँ से आपको मिल सकती हैं। और अगर आप व्यू ऑल अलर्ट्स में जाके देखें तो वहाँ पर आपको इनके करेंटली उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। बेल आइकन के साथ आपके आपको यूजर का नाम नजर आ रहा होगा, जिस तरह इस केस में यहाँ पे मेरा नाम नजर आ रहा है। तो इस मेन्यू में मेरे अकाउंट से रिलेटेड सारी चीजें हैं, जैसे मेरा माई अकाउंट जो है उसमें मैं जाके अपने अकाउंट की डिटेल्स देख सकता हूँ। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन इनेबल की हुई है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है, तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल देख सकता हूँ। सर्विस कोटास हैं, अगर कोई ऐसी हमने सर्विस ली हुई है जिसके अंदर, या कोई ऐसी सब्सक्रिप्शन AWS की ली हुई है जिसमें हमें कोई कोटास असाइन हुए हैं, तो उनकी डिटेल्स यहाँ से देखी जा सकती है। बिलिंग डैशबोर्ड बहुत क्रिटिकल है, हम आगे एक सेक्शन में जाके देखेंगे। यहाँ पे आप अपने जो भी करंट बिलिंग चल रही है उसको देख सकते हैं, उसका ब्रेकडाउन देख सकते हैं। आप जो बिलिंग के अगेंस्ट पैसे पे कर चुके हैं उनके ऑर्डर्स या इन्वॉइसेस वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। और लास्ट में आपके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स हैं जिनको आप जाके जहाँ से आप अपने पासवर्ड और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। फाइनली साइन आउट है, तो साइन आउट भी ऑब्वियसली आप यहाँ से अगर साइन आउट करेंगे तो आप अपने एग्जिस्टिंग जिस अकाउंट से लॉग इन हुए हैं उससे साइन आउट हो जाएंगे। ये उस केस में काफ़ी क्रिटिकल होगा जहाँ पर आप मल्टीपल कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, तो आपको एक अकाउंट से लॉग आउट करके दूसरे अकाउंट में लॉग इन करना होगा, तो इसलिए यहाँ से आप साइन आउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं क्विकली सपोर्ट के मेन्यू को भी कवर करता चलूँ। सपोर्ट सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ से आप टिकट्स रेज कर सकते हैं। अगर आपके पास डिफरेंट टाइप की सब्सक्रिप्शन सर्विसेज हैं तो आपको प्रोविजन होगी डिफरेंट टाइप के टिकट्स रेज करने की। और एक्सपर्ट हेल्प में आप अगेन, अगर आपके पास प्रोविजन है एक्सपर्ट से हेल्प लेने की, तो आपको यहाँ से टिकट्स वगैरह रेज करने की ऑप्शन होगी। उसके अलावा कम्युनिटी रन डिस्कशन फोरम्स हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। स्टैक ओवरफ्लो है जिस तरह, तो उस तरह एक इंटरनल AWS का अपना डिस्कशन फोरम है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है,
जो ट्रेनिंग्स AWS प्रोवाइड करता है वो है, और इसके अलावा कुछ और रिसोर्सेज भी हैं। मैं डिफरेंट सेक्शंस कवर करते वक्त सर्टेन रिसोर्सेज या अच्छी साइट्स जहाँ से रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं उनको हाईलाइट करता जाऊँगा, लेकिन उसके अलावा ये भी हाईलाइट करना ज़रूरी था कि यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बाकी कॉन्सोल को कवर करने से पहले मैं क्विकली हाईलाइट करना चाहता हूँ कि AWS कॉन्सोल की एक वेब एप्लीकेशन भी है जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है। ये सब फीचर्स तो प्रोविजन नहीं करती, लेकिन ये इट्स रियली यूजफुल कि आप इस एप्लीकेशन को भी ज़रूर डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल करें और इसको अपने अकाउंट के साथ लिंक करके देखें कि किस तरह से आप इस सर्विस को, इन ऐप्स को यूज़ करते हुए सर्विसेज को मॉनिटर कर सकते हैं, सर्विसेज को स्टार्ट, स्टॉप या रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि रियली यूजफुल हैं ऑन द गो। आप अगर कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, कोई ट्रबल शूटिंग की एस्पेक्ट आता है और आपके पास फुल ऑन स्क्रीन लाइक इंटरफेस अवेलेबल नहीं है, तो ऐप काफ़ी यूजफुल होती है। इसके अलावा मैं दो और सेक्शंस क्विकली हाईलाइट करता चलूँ। एक सेक्शन है बिल्ड अ सोल्यूशन का और दूसरा है लर्न टू बिल्ड का। तो बिल्ड अ सोल्यूशन जो है वो क्विक ओवरव्यू टाइप के छोटे ट्यूटोरियल्स देता है जिसको आप फॉलो करके मुख्तलिफ AWS की सर्विसेज के ऊपर कुछ सर्विसेज को स्पिन अप कर सकते हैं और देख सकते हैं और उसके सर्टेन फीचर्स वगैरह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये रिलेटिवली बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं। लर्न टू बिल्ड जरा स्टेप बाय स्टेप टाइप की लैब्स इन्वायरमेंट है। इनके अंदर आपको ज़रा ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स मिलेंगे, ऐसी सर्विसेज के ऊपर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी जो कि बेसिक AWS सर्विसेज के ऊपर बिल्ट है। ये दोनों सेक्शंस बहुत यूजफुल हैं बिगिनर्स के लिए, नए स्किल सेट्स लर्न करने के लिए। हम भी इसी तरह की लैब्स देखेंगे आगे जाके इस कोर्स में। लेकिन मैं इस स्टेज के ऊपर एक चीज़ हाईलाइट करता चलूँ, क्योंकि मैं खुद लर्निंग के प्रोसेस से गुजरा हूँ AWS के, तो ये लैब्स काफ़ी यूजफुल होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने में। ये नॉर्मली काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट्स में रहकर क्रिएट की जाती हैं जिसमें आपको कोई अनफॉर्सिन एरर्स या इश्यूज नज़र नहीं आते। तो ऑल्दो ये यूजफुल है, लेकिन बेसिक्स बिल्ड करने के लिए डेफिनेटली बहुत यूजफुल है, लेकिन इनको यूज़ करते हुए आप जब किसी भी रियल वर्ल्ड सिनेरियो को देखेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे इश्यूज नज़र आएंगे जो कि इनमें कवर नहीं होंगे। फिर उसके लिए आपको दूसरे रिसोर्सेज और दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द इश्यूज। रियल टाइम कस्टमर रिक्वायरमेंट्स काफ़ी डिफरेंट हो सकती हैं, वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगी जिस तरीके से ये ट्यूटोरियल्स बिल्ड किए जाते हैं। तो जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन, लेकिन बेसिक लर्निंग के लिए, बेसिक डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल रिसोर्स है। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और अगले सेक्शन में देखेंगे कि हम अपना अकाउंट कैसे सेटअप करेंगे, फ्री टियर को किस तरह से एक्सेस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।